A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 3rd of February. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is A Dose of Realism. Dekho, A Dose of Realism. Realism ka matlab hota hai, reality, jiska matlab hota hai, vastvikta. A dose ka matlab ho gaya, khuraak. To iska matlab ho gaya, मतलब एक वास्तविकता की खुराक ऑन कोविड 19 सर्च पोस्ट ओमिक्रॉन, यानी ओमिक्रॉन जो कि एक नया वेरिएंट है जिसको पहले सबसे ज्यादा ट्रांसमिशेबल माना जा रहा था, लेकिन एट द सेम टाइम उसको यह भी समझा जा रहा था कि वो इतना डेडली नहीं है एज कंपेयर टू अदर वेरिएंट्स ऑफ द कोविड 19। मतलब जैसे कोविड 19 का जो डेल्टा वेरियंट था तो उसके कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो ओमिक्रॉन को क्या माना जा रहा था, उसको कम डेडली माना जा रहा था, कम खतरनाक माना जा रहा था। लेकिन फिलहाल एक रिपोर्ट के अंदर इस बात का पता चला है कि कोविड 19 के जो केसेस है उनके अंदर सर्ज हुआ है, यानी उसके अंदर कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई है, और एट द सेम टाइम जो नंबर ऑफ डेथ के केसेस रिपोर्ट किए गए थे ओमिक्रॉन की वजह से उनके अंदर भी आंकड़ा बढ़ रहा है। तो ओमिक्रॉन को वो लोग जो उसको लेस थ्रेटनिंग समझ रहे थे, जिसको कम खतरनाक समझ रहे थे या ऐसा सोच रहे थे कि ओमिक्रॉन की वजह से डेथ का जो एक रिस्क बना हुआ है वो कम है, तो अब ये भी एक भ्रम टूट गया है क्योंकि ओमिक्रॉन की वजह से लगातार जो डेथ के जो केसेस है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इस वजह से इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना होगा और जो कोविड बिहेवियर है, जो कोविड से रिलेटेड जितने भी प्रिकॉशंस हैं उनका पालन किया जाना चाहिए। तो इन्हीं चीजों को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल। डिजीज प्रिवेंशन, देखो डिजीज हो गया बीमारी, प्रिवेंशन का मतलब हो गया रोकथाम, या किसी चीज से हमें क्या करना होता है, प्रिवेंशन करना होता है, बचाव करना होता है, परहेज करना होता है। विद कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, एप्रोप्रिएट का मतलब आप कह सकते हैं एक तरीके से जो रिक्वायर्ड है, बिहेवियर व्यवहार हो गया, एंड वैक्सीनेशन इज स्टिल नेसेसरी। देखो यहाँ पे बोला गया है कि अगर कोविड से हमें फाइट करना है, कोविड को हम अगर हराना है, तो डिजीज प्रिवेंशन यानी कि इस बीमारी को रोकने से रिलेटेड जितने भी परहेज है और कोविड रिलेटेड जितने भी बिहेवियर है, जो भी हमें प्रिवेंशन रखने हैं, जो भी हमें जो कोविड से रिलेटेड हो गया, जैसे मास्किंग हो गया, मास्क पहनना हो गया, सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, और ये जो सारे के सारे जो कोविड से रिलेटेड हमें प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं, और वैक्सीनेशन, और सबसे जरूरी लोगों का ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण किया जाए, तो यही वो मंत्र है जिससे क्या किया जा सकता है, कोविड को रोका जा सकता है। स्टिल नेसेसरी, ये सबसे ज्यादा जरूरत वाली चीजें हैं, इनको फॉलो किया जाना चाहिए, इनका पालन किया जाना चाहिए, तभी कोविड को रोका जा सकता है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने कहा है, चीफ है जो WHO के डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियासस ने ये बोला है इन अ रिसेंट ब्रीफिंग। ब्रीफिंग का मतलब एक तरीके से एक्सप्लेनेशन देते हुए, तो WHO के जो चीफ है उन्होंने अपनी एक्सप्लेनेशन देते हुए, अपनी व्याख्या करते हुए ये कहा है कि नोटेड का यहाँ पे रिपोर्टेड कह सकते हैं, दैट 90 मिलियन केसेस ऑफ कोरोना वायरस, यानी कि कहीं ना कहीं 90 मिलियन के आसपास कोरोना वायरस के केसेस हैव बीन रिपोर्टेड, उनको रिपोर्ट किया गया है सिंस द ओमिक्रॉन वेरियंट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाई 10 वीक्स अगो। 10 हफ्ते पहले जो कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट था ओमिक्रॉन, तो ओमिक्रॉन को 10 हफ्ते पहले उसको क्या किया गया था, आइडेंटिफाई किया गया था, इसको पहचाना गया था कि ये कि कोरोना का नया वेरिएंट है, और उसके बाद यानी एवर सिंस ओमिक्रॉन वाज आइडेंटिफाइड मोर देन 90 मिलियन केसेस हैव बीन रिपोर्टेड, यानी कि ओमिक्रॉन का पता लगने के बाद 90 मिलियन केसेस कोरोना वायरस के रिपोर्ट किए जा चुके हैं, जो कि एक अपने आप में एक वेकअप कॉल है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि जो कोविड के जो केसेस है वो लगातार फिर दोबारा से बढ़ने लग गए हैं। ही स्टेटमेंट, और जो WHO के जो चीफ है उन्होंने अपनी स्टेटमेंट के अंदर क्या बोला, कम्स इन द कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट का मतलब इस संदर्भ
इस संदर्भ में ये बात कही, ऑफ मैनी कंट्रीज ईजिंग, ईजिंग का मतलब रिलैक्स करना, दे रिस्ट्रिक्टिव प्रतिबंधित मोमेंट जो उसकी जो एक्टिविटीज थी, मेजर्स एंड पब्लिक फैटीग। फैटीग का मतलब हो गया एक तरीके से टायर्डनेस जिसको बोल सकते हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों से लगातार लॉकडाउन भी लगाए जा रहे हैं और लोगों को घरों में डिटेन किया जा रहा है एक तरीके से, तो लोग भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, वो भी मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं और लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। तो इस वजह से बहुत सारी कंट्रीज के अंदर क्या किया गया है, जो कोविड से रिलेटेड जो भी प्रोटोकॉल्स थे, जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, उन रिस्ट्रिक्शंस को क्या किया गया, ईज किया गया, रिलैक्स किया गया, उनको काफी हद तक कम कर दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकता है, WHO के चीफ का ऐसा मानना है। फ्रॉम WHO perspective, perspective का मतलब कह सकते हो ओपिनियन के हिसाब से, दृष्टिकोण के हिसाब से, तो WHO के दृष्टिकोण के हिसाब से द ब्लैंकेट लिफ्टिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, ब्लैंकेट लिफ्टिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शंस का मतलब हो गया कि जो ये प्रतिबंधित जो एक कोविड से रिलेटेड जो प्रतिबंध लगाए गए थे, अगर इन प्रतिबंधों को हटाया जाता है, लिफ्ट किया जाता है, उठाया जाता है, पोजेस, पोज का मतलब कोज करना, कारण बनना, अ प्रॉब्लम, यानी कि ये क्या बन सकता है, ये अपने आप में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि अगर इस तरीके से सभी देशों ने अगर कोविड से रिलेटेड जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको हटा दी, तो ये जो नंबर ऑफ केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो इनको रोकना अपने आप में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और ये कहीं ना कहीं समस्या बन जाएगी। As most people, क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं appear, दिखाई पड़ना, to believe, बहुत सारे लोगों का ये मानना है, उनका ऐसा विश्वास है क्या, that Omicron is less threatening, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि जो Omicron जो variant है COVID का, वो इतना ज्यादा deadly, threatening, यानी ज्यादा बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है as compared to other variants of COVID-19, कोविड के जो दूसरे वेरिएंट है उसके कंपेटिवली ओमिक्रॉन इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, ऐसा लोगों का मानना है, एज कंपेयर्ड टू प्रीवियस वेरिएंट, यानी पिछले वेरिएंट से कंपेरेटिवली इसका कंपैरिजन किया जाए तो ओमिक्रॉन उन वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक नहीं है, ऐसा लोगों का मानना है, जो कि गलत है। एंड टू शॉट्स ऑफ वैक्सीन, शॉर्ट्स का मतलब यहाँ पे एक मतलब डबल डोजेस हो गया, यानी जो कोविड की जो डबल डोजेस दी जाती है आर एन एडिक्वेट, एडिक्वेट का मतलब सफिशियंट, डिफेंस का मतलब सुरक्षा अगेंस्ट द वायरस, यानी जिन लोगों ने दोनों डोजेस ले ली है तो वो लोग फुली प्रोटेक्टेड है, ऐसा लोगों का मानना है, और वो सोचते हैं कि इन केस अगर उन्होंने अपनी दोनों डोजेस ले ली है तो वो कोई भी वेरियंट क्यों ना आ जाए कोविड का तो उससे वो प्रोटेक्टेड है, जो कि अपने आप में गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ही अंडरलाइंड, अंडरलाइंड का मतलब हो गया एक तरीके से असर्टिव, किसी बात पर जोर देना, रेखांकित करना, दैट अ नरेटिव, नरेटिव का मतलब अपनी कहानी बताना या टेल स्टोरी, दैट यानी उन्होंने अपनी ये जो व्याख्या है, जो उन्होंने ये सारी की सारी जो डिटेल रखी उस डिटेल के हिसाब से, दैट प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन का मतलब हो गया एक तरीके से स्प्रेड, राइट, ये जो संक्रमित होते हैं लोग, संक्रमण को रोकने के लिए प्रिवेंटिंग का मतलब परहेज करना, यानी कि इन ऑर्डर टू स्टॉप ट्रांसमिशन, यानी ट्रांसमिशन को रोकने के लिए इज नो लॉन्गर पॉसिबल, यानी अभी जो ट्रांसमिशन है कोविड की अगर बात की जाए तो वो अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये ट्रांसमिशन हो चुका है, ये जो संक्रमण है वो फैल चुका है, and no longer necessary, और अभी रोकने की जरूरत भी नहीं है, and had taken hold, this was problematic, और कहीं ना कहीं लोगों का ये जो मानना है कि transmission already हो चुका है, अब उसको रोकने की जरूरत भी नहीं है, had taken hold, और ये जो है ना, यानी कि COVID का जो वायरस है, जितना उसको hold करना था, जितना उसको control जमाना था, वो control हो चुका है COVID का, and was problematic, प्रॉब्लमेटिक का मतलब यही समस्या का एक कारण बना हुआ है, तो लोगों का ऐसा सोच है जिससे कि मतलब कि वो बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड हो चुके हैं, जिन्होंने 2 डोजेस ले रही है वो भी अपना मास्क नहीं लगाते हैं, पब्लिक जो एक डिस्टेंस सोशल डिस्टेंसिंग का जो एक नियम था उसको फॉलो करना था उसको फॉलो नहीं करते हैं, और बहुत सारी ऐसी
कंट्रीज की भी अगर बात की जाए तो वहां पर जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात थी, जिसके तहत मतलब जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी उन रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया है। एट द सेम टाइम ये मानकर चलना कि ओमिक्रॉन दूसरे वेरिएंट से ज्यादा डेडली नहीं है, ज्यादा थ्रेटनिंग नहीं है, तो ये सारी वो वजह है जो कि अपने आप में प्रॉब्लमेटिक है, एक समस्या का कारण बनी हुई है। This was false. ये सारी जो चीजें बताई गई हैं अपने आप में क्या false हैं, झूठी हैं। He underscored का मतलब किसी बात पर emphasize करना, किसी बात पर जोर देना। और जो WHO के चीफ है उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा at the briefing, यानी at his explanation, यानी अपनी explanation देते हुए उन्होंने कहा as the virus continues to evolve, evolve का मतलब हो गया develop, विकसित होना, कि अभी भी जो वायरस है वो लगातार क्या हो रहा है, विकसित हो रहा है, इट मींस अलग अलग उसके वेरिएंट आ रहे हैं। एंड फोर ऑफ सिक्स, यानी छह में से चार लोग WHO के हिसाब से रीजन्स का अगर क्षेत्र हो गया ग्लोबली पूरी दुनिया के अंदर आर रिपोर्टिंग एंड इंक्रीजिंग ट्रेंड, और एक मतलब एक प्रवृत्ति बन गई है, एक ट्रेंड के आ गया है जिसके अंदर लगातार बढ़ते जा रहे हैं डेथ्स, यानी कि अब छह में से चार लोग जो है वो लोग क्या हो रही है, उनकी डेथ हो रही है, जो कि ओमिक्रॉन को पहले क्या समझा जा रहा था कि वो इतना ज्यादा डेडली नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल की अगर रिसेंट में जो WHO की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के हिसाब से छह में से चार लोगों की डेथ हो रही है, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग है। और ये एक वेकअप कॉल है पूरी दुनिया के लिए कि उनको अभी भी कोविड को हल्के में नहीं लेना चाहिए, बल्कि कोविड से रिलेटेड जो भी प्रोटोकॉल्स है, जो भी नियम है, उनका पालन करना चाहिए। तो दिस इज अ वेरी फर्स्ट स्लाइड, नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखिए, जब कभी आप दो सब्जेक्ट्स को विद के साथ कनेक्ट करते हो तो उस केस के अंदर जो सब्जेक्ट पहले नंबर पर आता है उसके हिसाब से आप वर्ब यूज करते हो, जैसे डिजीज प्रिवेंशन, उसके बाद आपने दूसरा सब्जेक्ट ये यूज किया और तीसरा सब्जेक्ट आपने ये यूज किया, लेकिन वर्ब आपने इज यूज किया जो कि अपने डिजीज प्रिवेंशन के हिसाब से यूज किया है। उसके बाद देखो हैव बीन रिपोर्टेड, हैव के बाद आपने बीन यूज किया और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। टू बिलीव आपका हो गया टू प्लस वी वन जो कि आपका इन्फिनिटिव केस हो गया। हैड टेकन, हैड के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज किया है जो कि आपका पास्ट परफेक्ट है। यहाँ पे देखो ट्रेंड आपका नाउन हो गया, तो इंक्रीजिंग आपका हो गया वी वन प्लस आई एन जी जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है आपका, जो कि एडजेक्टिव तरह काम कर रहा है, और क्योंकि इसका साउंड आई से है, इंक्रीजिंग है, तो यानी ये आपका वोवल साउंड भी हो गया, तो इस वजह से आपने आर्टिकल एन भी यूज कर लिया। राइट, नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। ब्रिटेन, फ्रांस, आयरलैंड एंड नीदरलैंड्स एंड फिनलैंड्स, ये वो पर्टिकुलर कंट्रीज हैं, आर ऑन द पाथ, ये उस रास्ते पे चली हुई हैं ऑफ ईजिंग कोविड 19 रिस्ट्रिक्शंस, यानी ये वो कंट्रीज हैं जहां पर उन्होंने अपना जो कोविड से रिलेटेड जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, जो प्रतिबंध लगाए गए थे, उन्होंने उन प्रतिबंधों को धीरे धीरे कर हटाना स्टार्ट कर दिया है। इन इंडिया टू, इंडिया के अंदर भी ऐसा ही माहौल अभी फिलहाल देखा जाए तो इंडिया ने भी क्या किया, जो कोविड से रिलेटेड जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी, जो भी प्रतिबंध लगाए गए थे, उन प्रतिबंधों को इंडिया के अंदर भी हटाना स्टार्ट कर दिया गया है। विद करंट एविडेंस, जो फिलहाल वर्तमान के जो एविडेंस है, एविडेंस का जो सबूत है, पॉइंटिंग इशारा करते हैं टू फॉल इन द डेली केस लॉड। केस लॉर्ड का मतलब कहीं ना कहीं ये जो इशारा कर, इंडिया के हिसाब से अगर बात की जाए तो वो इस तरफ इशारा करते हैं कि जो डेली केस लॉर्ड था, किसका, कोविड के जो केसेस आ रहे थे वो उसमें क्या है, कमी है, और उन कमी को देखते हुए क्या किया गया है, इन जो कोविड की जो कोविड से रिलेटेड जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी उन रिस्ट्रिक्शंस को कम किया गया, ऐसा इन पर्टिकुलर कंट्रीज का मानना है, खासतौर पर इंडिया का भी ऐसा ही मानना है। सेवरल स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं have moved का मतलब shifted कह सकते हो to ease moments restrictions, और बहुत सारे states की अगर बात की जाए इंडिया के अंदर तो उन्होंने क्या कर दिया है, उन्होंने relaxed कर दिया है, क्या कर दी, छूट दे दी है, जो covid से related restrictions थी, जो प्रतिबंध लगाए गए थे, उन प्रतिबंधों को उन्होंने क्या कर लिया, lift कर लिया है, हटा लिया है। WHO has said, यानी WHO ने इस बात को कहा है that द न्यूली इमर्ज वेरियंट, यानी कोविड का भी फिलहाल एक नया वेरियंट है
जिसको इमर्स का मतलब हो गया एक तरीके से ऑरिजिनेटेड, पैदा होना, विकसित होना, वेरिएंट BA2, यानी अभी कोविड का जो नया वेरिएंट है BA2, ये क्या है, इज एज ट्रांसमिसिबल। ट्रांसमिसिबल का मतलब होता है एक तरीके से कंटेंजियस। कंटेंजियस का मतलब हो गया यानी संक्रमित करने के लिए, एज ओमिक्रॉन, यानी कि ये क्या है, इतना ही ज्यादा क्या कर सकता है, संक्रमित कर सकता है, जिस तरीके से ओमिक्रॉन बहुत ज्यादा संक्रमित करता था, उस इन द सेम वे BA2 जो नया वेरिएंट है जो कोविड का, तो वो भी उतना ही ज्यादा संक्रमण करता है जो कि ओमिक्रॉन करता है। एंड दैट ऑल मेजर्स, मेजर्स का मतलब यहाँ पे प्रिवेंशन कह सकते हो एक तरीके से, जो परहेज है, जो एक तरीके से बचाव के जो रास्ते हैं, नीड टू कंटेन। तो इस वजह से कोविड को रोकने के लिए जो भी समाधान किए जाने थे, जो भी प्रिवेंशन किए जाने थे, टू कंटेन, कंटेन का मतलब हो गया कंट्रोल करना, किसको रोकने के लिए, इस वायरस के ट्रांसमिशन को रोकने के लिए, द ओरिजिनल ओमिक्रॉन वेरिएंट, यानी ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है, उस जो हम प्रोटोकॉल्स पहले फॉलो कर रहे थे ओमिक्रॉन्स को रोकने के लिए, इन द सेम वे हमें उन्हीं मेजर्स को क्या करना पड़ेगा, उन्हीं मेजर्स को फॉलो करना होगा, उन्हीं मेजर्स को हमें अपनाना होगा, जिससे कि ये जो नया वेरिएंट है एप्लीकेबल टू इट टू, यानी कि जो ओमिक्रॉन के लिए हमने जो मेजर्स लिए थे, जिससे कि ओमिक्रॉन के ट्रांसमिशन को रोका जा सके, उसके संक्रमण को रोका जा सके, तो वही प्रोटोकॉल्स, वही नियम कायदे, वही परहेज और प्रिवेंशन हमें क्या करने पड़ेंगे इस BA2 जो कि नया वेरिएंट है कोविड का, इसके लिए भी उन्हीं नियमों का हमें पालन करना होगा। आफ्टर फेसिंग क्रिटिसिज्म, आलोचना के बाद, यानी आलोचना को, आलोचना का सामना करने के बाद, ये WHO के लिए बात की गई है क्योंकि WHO को आलोचना का सामना करना पड़ा था, दैट इट डिड नॉट मूव सून एनफ इन 2020, यानी WHO ने कहा था कि कोविड का जो दौर है वो 2020 के अंदर कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टू अलर्ट, तो कहीं ना कहीं WHO ने ये क्या किया था, अलर्ट किया था, सचेत किया था पूरी दुनिया को, द वर्ल्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ एक तरीके से साइजेबल, यानी उसका जो साइजेबल मतलब ह्यूज, बहुत बड़ा, ऑफ द क्लैमिटी, क्लैमिटी का मतलब हुआ एक तरीके से डिजास्टर, ये अपने आप में जो एक बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ, ओके तो ये जो डिजास्टर है दैट इट अवेटेड, यानी कि WHO ने कहा था कि ये जो कोविड का जो फिलहाल दौर है देखा जाए तो ये क्या है 2020 के अंदर ही कहीं ना कहीं चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से WHO को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, उसकी आलोचना का सामना करना पड़ा उसको। एंड एट द सेम टाइम बाद में द वर्ल्ड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्लैमिटी इट अवेटेड, अवेटेड का इंतजार करना, और कोविड ने क्या किया, मतलब कोविड ने एक क्लैमिटी क्रिएट कर दी अपने आप में एक तरीके से, कोविड की वजह से एक पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा डिजास्टर आया एक तरीके से, अपने आप में बहुत ज्यादा भयानक तौर पर कह सकते हैं, चारों तरफ क्या हुई, एक तबाही मचा दी कोविड ने। तो इसकी वजह से हालांकि WHO ने इंटीमेट किया था, लेकिन WHO का मानना था कि 2020 तक इसका ये WHO का जो इम्पैक्ट, ये जो कोविड का जो इम्पैक्ट है वो खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से WHO को भी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। WHO which takes a global view of the crisis, WHO क्या करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये काम है कि वो ग्लोबल व्यू, वैश्विक तौर पर किसी भी चीज को व्यू करना, देखना, ऑफ द क्राइसिस, क्राइसिस कोई भी संकट हो सकता है, अब जैसे कि कोविड एक अपने अपने क्राइसिस है, एक संकट है, तो WHO ने क्या किया, कोविड का भी क्या किया, एक ग्लोबल व्यू उसने दिया, क्या, कैन नॉट बी फॉल्टेड फॉर एयरिंग कंसर्न्स, सॉरी, तो WHO को, WHO का जो व्यू था, यानी WHO का जो एक तरीके से उसका अपना एक ओपिनियन था, एक जो राय थी, कैन नॉट बी फॉल्टेड, उसके लिए WHO को फॉल्ट पे नहीं कहा जा सकता है, उसके अंदर WHO की कमी नहीं निकाली जा सकती है। फॉर एयरिंग, एयरिंग का मतलब हो गया एक तरीके से बी ब्रॉडकास्ट, प्रकाशित करना, कंसर्न, चिंताएं, तो क्या किया था WHO ने, ये सारे जो कंसर्न्स बने हुए थे कोविड से रिलेटेड, उनको क्या किया था, एक तरीके से उसका प्रसारण किया था टीवी के ऊपर, न्यूज़पेपर के ऊपर देखा जाए,
सोशल वेबसाइट्स के ऊपर देखा जाए तो कहीं पर भी WHO ने इस बात की कमी नहीं छोड़ी थी कि लोगों को इस बात के लिए इंटीमेट किया जाए कि जो कोविड है वो इतना मतलब इतना ज्यादा इजी नहीं लिया जा सकता, कोविड को इतना मतलब जिस तरीके से लोग इसको इजी ले रहे हैं इतना इजी इनको नहीं लेना चाहिए, ये बहुत ही डेडली वायरस है। तो WHO ने अपने तौर पर तो सभी जगह पे क्या किया था, ब्रॉडकास्ट किया था फ्रॉम द एविडेंस अवेलेबल सो फार, और जो एविडेंसेस मतलब WHO की तरफ से दिए गए उन WHO से इस बात का पता चलता है कि WHO को फॉल्ट पर नहीं कहा जा सकता है। एट द सेम टाइम WHO ने जितना हो सकता था ब्रॉडकास्ट किया था, उसका प्रसारित किया था WHO ने कोविड को लेकर टीवी के ऊपर, सोशल वेबसाइट्स के ऊपर, न्यूज पेपर के अंदर भी आया था, तो लोगों को इंटीमेट करने के लिए कि वो कोविड को इतने हल्के में ना ले। इट हैज ऑल्सो कंसिस्टेंसी वॉर्न, यानी कि इट यहाँ पे यूज किया गया WHO के लिए, और WHO ने लगातार कंसिस्टेंटली मतलब कंटिन्यूसली लगातार वॉर्न का मतलब एक तरीके से लोगों को सचेत किया था, अलर्ट किया था, चेतावनी दी थी दैट पेंडेमिक कैन नॉट बी ओवर, कि ये जो पूरा एक महामारी है पेंडेमिक कोविड यानी ये जो महामारी है कैन नॉट बी ओवर, वो अभी खत्म नहीं हो सकती है अनटिल ऑल द रीजंस, यानी पूरी दुनिया के जितने भी क्षेत्र हैं ऑफ द वर्ल्ड आर सफिशिएंटली एडिक्वेटली पर्याप्त तौर पर वैक्सीनेटेड, अगर इन लोगों को यानी पूरी दुनिया के लोगों को जब तक वैक्सीनेशन नहीं मिल जाता है तो ये कोविड का जो अभी फिलहाल जो खतरा बना हुआ है वो खत्म नहीं हो सकता है। ये कब खत्म हो सकता है, जब पूरी दुनिया को वैक्सीनेशन हो जाएगा तभी ये पॉसिबल है। एंड दैट इकोनॉमिक आर्थिक इनइक्विटी यानी एक तरीके से असमानता कंटिन्यूज टू बी ड्राइवर ऑफ द पेंडेमिक, ड्राइवर का मतलब यहाँ पे चालक होता है बट यहाँ पे मेन रीजन कह सकते हो। और देखा जाए तो इस पूरी दुनिया के अंदर फिलहाल पेंडेमिक का सबसे बड़ा जो एक मुख्य रीजन जो कह सकते हैं हम एक कारण कह सकते हैं तो वो है इनइक्वालिटी। किस तरीके से देखें, क्योंकि जो रिच कंट्रीज है जो अमीर देश है वो तो क्या कर पा रहे, अफोर्ड कर पा रहे वैक्सीनेशन को, और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जो कि पुअर कंट्री है वो वैक्सीनेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो यानी रिच कंट्री में वैक्सीनेशन प्रोग्राम अच्छे से चलता है, वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन जो पुअर कंट्री है वो अपने देश को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इनइक्विटी जो है, ये एक असमानता जो है, उसकी वजह से भी कोविड को रोकना अभी इम्पॉसिबल है। द कोरोना वायरस वाइल सेक्युलर, सेक्युलर का मतलब हो गया नॉट रिलेटेड टू एनी रीजन, धर्म निरपेक्ष जिसको बोलते हैं, तो कोविड का एक नेचर है कि वो धर्म निरपेक्ष है, यानी वो किसी भी इंसान को इन्फेक्ट करता है तो वो उसके रिलीजन को नहीं देखता है, वो किस धर्म से है, किस समुदाय से है, तो कोविड ऐसा नहीं देखता है। इन इट्स इन्फेक्शनियस, देखो इन्फेक्शनियस का मतलब हो गया एक तरीके से ये जो ट्रांसमिशन की बात की जा रही थी, संक्रमण की बात की जा रही थी, तो ये जो कोविड है वो धर्म निरपेक्ष है अपने संक्रमण को लेकर, क्योंकि ये किसी धर्म जाति समुदाय को देखकर इन्फेक्ट नहीं करता है, लोगों को संक्रमित नहीं करता है, अफेक्ट्स नेशन डिफरेंटली, और सभी देशों को क्या करता है अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है। द रिचर वन कैन अफोर्ड टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रप्टिव सोशल एक्टिविटी, और जो रिचर वंस यानी जो अमीर देश है वो क्या कर सकते हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं किस चीज को, द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ यानी जो परिणाम निकले हैं, डिसरप्टेड का मतलब जो हो गया एक तरीके से डिस्टर्ब्ड, परेशान हुई सोशल एक्टिविटीज, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारे देशों के अंदर क्या कर दिया गया था, वहां पर ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन लगा दिया गया था और उनकी जो सोशल एक्टिविटीज थी, बिजनेस थे, वो सारी चीजों को बंद कर दिया गया था। लेकिन जो अमीर देश है वो क्या कर सकते हैं, ये जो डिस्टर्ब्ड सोशल एक्टिविटीज है उनको एक टाइम के बाद वो रिगेन कर सकते हैं, उनको दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतना फाइनेंशियली वो स्ट्रांग होते हैं कि वो सारी चीजों को दोबारा से ट्रैक पे ला सकते हैं। बट वट अबाउट पुअर कंट्रीज, लेकिन गरीब देशों का क्या, गरीब देश क्या करते हैं, उनके लिए तो प्रॉब्लम है। अ लिटल लॉन्गर देन द रेस्ट, यानी कि कहीं कहीं ना कहीं जो अगर देखा जाए जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तो हालांकि कोविड का इम्पैक्ट सभी पूरी दुनिया के ऊपर पड़ा है, लेकिन जो अमीर देश है वो कोविड के इम्पैक्ट को थोड़ा लंबे टाइम तक बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो रिसोर्सेज हैं जिससे कि वो उस इम्पैक्ट को, उस प्रभाव को लंबे टाइम तक बर्दाश्त कर सकते हैं एज कंपेयर टू पुअर कंट्रीज, गरीब देशों की बजाय। जस्ट हाफ और the world has been fully vaccinated,
और देखा जाए तो इस पूरी दुनिया के अंदर फिलहाल से आधी ही दुनिया ऐसी है, यानी पूरी पूरे वर्ल्ड के अंदर देखा जाए तो आधी ऐसी पॉपुलेशन है जो अभी तक वैक्सीनेट हुई है, यानी कि आधे ही पॉपुलेशन को क्या लिखा है, अभी उनको वैक्सीनेशन दिया गया, उनका टीकाकरण हुआ है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य पूर्ण अगर देखा जाए, सो फार अभी तक द अवेलेबल वैक्सीन आर ओनली इक्विप्ड टू, इक्विप्ड का मतलब होगा एक तरीके से फर्निस्ट, फिल्ड विद, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज रादर देन इंफेक्शन। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात तो ये है कि फिलहाल जो देखा जाए, जितनी भी वैक्सीन्स हैं, ये वैक्सीन्स क्या है, प्रोटेक्ट तो करती है डिजीज को, यानी हमें क्या करती है, उस वायरस से रिलेटेड हमें प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन ट्रांसमिशन जो होना है, जो इन्फेक्शन हो रहा है, उसको नहीं रोक पा रही है। इट मीन्स क्या हुआ कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन लिया है वो लोगों उनका लाइफ तो सिक्योर हो गया है, लेकिन एट द सेम टाइम जो ट्रांसमिशन होना था, वो ट्रांसमिशन क्या है, वो अभी भी नहीं रुका है, वो संक्रमण जो है वो अभी भी जारी है। तो ये आपका सेकेंड स्लाइड हो गया, लेट इट डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। देखिए, हैव मूड हो गया आपका, हैव के बाद अपने थर्ड फॉर्म यूज कर ले जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। वेरिएंट आपका नाउन हो गया, तो इमर्ज्ड आपका हो गया V3, जो कि आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। यहाँ पर बी देखो, कैन नॉट आपका मॉडल वर्ब हो गया, और उसके बाद आपने बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है। फोर आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद आपने एरिंग यूज कर लिया V1 प्लस ING जो कि जीरेंड है आपका। आर वैक्सीनेटेड आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट। सफिशियंटली आपका एडवर्ब हो गया आपका, कैन फिर मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद आपने अफोर्ड यूज कर लिया जो कि V1 है। जनरली मॉडल वर्ब के बाद हम V1 यूज कर लेते हैं। हैज बीन फुली वैक्सीनेटेड, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। बीन के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया और फुली आपका एडवर्ब हो गया। रादर देन, रादर अपने साथ देन लेकर चलता है, राइट? और जनरली इसको THEN लगाकर, देन लगाकर एरर दिया जाता है जो कि इनकरेक्ट है, रादर अपने साथ THAN लेकर चलता है, राइट? सो दिस इज आवर सेकेंड स्लाइड, नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर लास्ट स्लाइड, दिस इज आवर थर्ड स्लाइड। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट यूज, उसको करना चाहिए क्या, इट्स इन्फ्लुएंस, अपने प्रभाव को, यानी कि WHO एक बहुत बड़ा एक डिपार्टमेंट है, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो WHO को अपना जो प्रभाव है, अपना जो इन्फ्लुएंस है, उसको यूज करना चाहिए टू कंटिन्यू, जिससे कि जारी रखा, जिससे जिससे हम क्या कर सके, किसी भी चीज को जारी रख सके, टू एनकरेज। तो यानी WHO को अपने प्रभाव को यूज करके क्या करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए वैक्सीनेशन, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण किया जा सके। एंड स्टेपिंग, स्टेपिंग का मतलब हो गया एक तरीके से गेट इन्वॉल्व, और इस बात में शामिल होना, एडवाइस, और एडवाइस देना चाहिए, सलाह देनी चाहिए। एंड एक्सपर्टीज, एक्सपर्टीज का मतलब हो गया एक्सपर्टनेस, मतलब जो एक विशेषता जो होती है किसी भी इंसान की, जो विशेष उसकी जो क्वालिटी होती है, तो WHO को अपनी एक्सपर्टीज को भी यूज करना चाहिए, वैक्सीनेशन को एनकरेज करना चाहिए, और इन्वॉल्व होकर एडवाइस करनी चाहिए, अपनी एक्सपर्टीज का यूज करना चाहिए टू हेल्प कंट्रीज, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा देशों को है मदद की जा सके। एक्सेस नेसेसरी डोजेस, एक्सेस का मतलब हो गया टू ऑप्टेन, पर्याप्त करना, प्राप्त करना, नेसेसरी डोजेस, जिससे कि वो पर्टिकुलर देश जो भी अब जिनके पास अभी भी डोजेस नहीं पहुंची है, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए जिससे कि उनको जो वैक्सीन है वो मिल सके। एंड बेयर अपॉन, बेयर अपॉन का मतलब हो गया हैव एन इफेक्ट अपॉन, यानी प्रभाव डालना। गवर्नमेंट्स टू डू मोर टू मीट वैक्सीनेशन टारगेट्स, और कहीं ना कहीं एक तरीके से WHO को क्या करना चाहिए, अपने इन्फ्लुएंस को यूज करके गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उनको अफेक्ट करना चाहिए, उनको इस बात के लिए कन्विंस करना चाहिए या फोर्स करना चाहिए, जिससे कि जो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन का जो टारगेट है किसी भी सरकार के लिए, वो उस टारगेट को पूरा करे। एंड फ्रेमिंग द पेंडेमिक एज वॉर, यहाँ पे फ्रेमिंग का मतलब किसी चीज को बनाना होता है, यानी अगर इस पेंडेमिक को, इस महामारी को एक वॉर की तरह लिया जाए, राइट, दैट ह्यूमैनिटी मस्ट विन, जिसके अंदर क्या होना चाहिए, मानवता को जीतना चाहिए। वॉज यूजफुल, ये मतलब ये जो थॉट थी, ये अपने आप में ज्यादा अच्छी थॉट थी, जिसके अंदर पेंडेमिक को एक वॉर की तरह लिया गया था और जिसके अंदर ह्यूमैनिटी की जीत होनी थी। यूजफुल, ये एक अच्छी थॉट थी,
टू एक्सेलरेट, एक्सेलरेट का मतलब हो गया एक तरीके से स्पीड अप करना, स्पीड को बढ़ाना, द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन, और क्या किया जाना चाहिए इस कोविड को रोकने के लिए। तो सबसे पहले तो कोविड को एक वॉर की तरह लेना चाहिए, नंबर टू इसके अंदर ह्यूमैनिटी जो है, मानवता है, वो उसकी जीत होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा जो वैक्सीन है उसको डेवलपमेंट होना चाहिए, उसका प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, और जो प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन है उसकी स्पीड को भी बढ़ाना चाहिए। हाउएवर, हालांकि साइंस इज नॉट इक्विप्ड, नॉट इक्विप्ड का मतलब नॉट फिल्ड विद येट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, हालांकि साइंस की भी अपनी क्या कुछ लिमिटेशंस हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो साइंस जो है ना वो इक्विप्ड नहीं है, यानी फील्ड नहीं है किस बात से, प्रिडिक्ट करने के लिए, यानी साइंस इस बात को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, इस बात का एंटिसिपेशन नहीं कर सकता है या अंदाजा नहीं लगा सकता है कि फ्यूचर के अंदर, आने वाले टाइम के अंदर ट्रांजेक्ट्री, ट्रांजेक्ट्री का मतलब होता है एक रास्ता दिखाना, द पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू द स्पेस, यानी कि जो एक रास्ता दिखाना, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कोरोना वायरस का जो आने वाला जो टाइम है उसका जो पाथ होगा, उसका जो रास्ता होगा वो किस तरह का होगा, इस बात का पता लगाना मुश्किल है क्योंकि साइंस के भी अपनी कुछ लिमिटेशंस है और वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, उसका हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, और कोविड से रिलेटेड जो भी प्रिवेंशन है, जो भी मेजर्स को फॉलो किया जाना चाहिए, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, या जो कोविड से रिलेटेड जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, या फिर मास्क हो गया, या वैक्सीनेशन लेना हो गया, तो ये सारे के सारे जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है कोविड से रिलेटेड, एंड वैक्सीन हो गया, वैक्सीन होना चाहिए लोगों का, एंड एसेसिबल हेल्थ, एसेसिबल हेल्थ केयर, एसेसिबल का मतलब, एक्सेसिबल का मतलब हो गया टू बी ऑब्टेन, जिसको प्राप्त किया जा सके, जिसको प्राप्त किया जा सके, हेल्थ केयर यानी कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा हेल्थ केयर दी जानी चाहिए, उनका सेहत का ध्यान रखना चाहिए, रिमेन द ओनली क्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब बिलीवेबल, बिलीवेबल का मतलब हो गया जिस पे विश्वास किया जा सकता है, डिफेंस का मतलब सुरक्षा। तो कहीं ना कहीं अगर हमें कोविड से लड़ना है तो कोविड से हमें बचना है और ह्यूमैनिटी को बचाना है, इस पूरी मानवता को बचाना है, तो हमारे पास सुरक्षा का सिर्फ यही एक साधन है जिसके अंदर क्या किया जा सकता है, कोविड से रिलेटेड जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन किया जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाना चाहिए, और हेल्थ केयर को हमें मजबूत करना चाहिए। एक्सेसिबल का मतलब है टू बी ऑब्टेन, जिसको प्राप्त किया जा सके, और लोगों को क्या किया जाना चाहिए, लोगों के हेल्थ केयर को ध्यान में रखना चाहिए, सिर्फ यही वो डिफेंस है, क्रेडिबल डिफेंस है जिससे कि कोविड को हराया जा सकता है, कोविड के साथ लड़ा जा सकता है। तो अपने आप में क्या है, ये एक बहुत ही सजेस्टिव आर्टिकल था आज का, अच्छा आर्टिकल था बहुत ज्यादा, राइट। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड, मस्ट यूज, देखो मस्ट आपका एक मॉडल वर्ब है जो कि स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिखाता है, और यूज आपने V1 यूज कर लिया, जनरली मॉडल वर्ब अपने साथ V1 लेकर चलता है, टू एनकरेज, टू के बाद आपने V1 यूज कर लिया जो कि आपका इन्फिनिटिव केस हो गया, बेयर अपॉन ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू हैव एन इफेक्ट अपॉन, यानी किसी के ऊपर प्रभाव डालना, इज नॉट इक्विप्ड, ये आपका हो गया बी प्लस थर्ड फॉर्म जो कि आपका प्रेजेंट इनडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, राइट। सो माय डियर रीडर्स, दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस आर्टिकल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, सो टुमारो आई विल कंटिन्यू विद अनदर आर्टिकल, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।